हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम आप बच्चों के लिए बीकॉम ऑनर्स सेकंड ईयर जो कि एसएल में लगता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसका सिलेबस तैयार करा रहे हैं जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड एप्लीकेशन 2। तो इसमें ये हमने आपको लेसन नंबर 5 कंप्लीट करा दिया है। तो इस पूरे चैप्टर का नाम है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें टोटल मिलाकर हमने 6 वीडियो बनाई हैं आप बच्चों के लिए, जिसमें से कि सबसे पहले हमने आपको थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये हमने बताया है, यानी कि थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग किसे कहते हैं ये हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे हमने 2 वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। इसके अलावा हमने मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे भी एक वीडियो बनाई हुई है, तो काफ़ी बड़ी वीडियो है, ये भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा हमने जो बैकवर्ड बाइंडिंग लेबर सप्लाई कर किस तरीके का होता है वो भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है। तो टोटल मिलाकर हमने पूरी 6 वीडियो इस पूरे के पूरे चैप्टर पर बनाई हुई है, इस वीडियो को मिलाकर। तो दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि ये सारा का सारा सिलेबस जो है वो हम आपके सिलेबस यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही कंप्लीट करा रहे हैं। तो हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के सिलेबस को कवर करा रहे हैं आप बच्चों के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसमें आप अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको कुछ वीडियो आपको आपको अलग अलग सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी की सारी प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है। तो उसमें से कुछ वीडियो प्राइवेट है, अगर आपको प्राइवेट वीडियो देखनी है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका रहेगा आप बच्चों के लिए, बहुत ही रीजनेबल से चार्जेज में हम सारी की सारा सिलेबस आप बच्चों के लिए कवर करा के देंगे। तो बस आपको बेसिकली यही बताना था, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।